सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दिनांक 5/10/2023 और 6/10/2023 को जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा में कक्षावार विषयवार संबंधित छात्रों का सूची जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। साथियों, तो कार्यालय जनशिक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरड़ो जलसीधी की तरफ से जो है जनशिक्षा केंद्र हरड़ो की तरफ से जो है ये छात्रों का जो है रूट चार्ट यहाँ पे बनाया गया है जनशिक्षक महोदय के द्वारा। तो यहाँ पे दिनांक एवं दिन और यहाँ कक्षा और विषय और समय दिया गया है। ओके साथियों, तो संबंधित छात्रों को शालावार जानकारी का विवरण जो है यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं और रूट चार्ट भी बताएंगे कि सबसे पहले जो है किस विद्यालय से जो है बच्चों को सबसे पहले जो है बस में बैठा के परीक्षा केंद्र तक लाया जाएगा। ओके साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5/10/2023 दिन गुरुवार, कक्षा 2 एवं 3, विषय हिंदी, समय 10 से 11:30 बजे और सम्मिलित होने वाली इसमें शालाएँ हैं जो हिंदी विषय पे जो है इन छात्रों का जो है चयनित किया गया है। पीएस बैरिया टोला, पीएस बगैया, चरका पाथर, एएमएस डांडी, यहाँ पे जो है 4 परीक्षार्थी यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं विषय हिंदी में। ओके साथियों, इसके बाद अंग्रेजी विषय में इसका जो परीक्षा का समय है 12 से 1:30 बजे तक और यहाँ पे जो है मझारी टोला, चमहा टोला, उमरिया टोला, एएचएस भाटा 4 छात्रों को सम्मिलित किया गया है। ओके साथियों, इसके बाद गणित विषय दिया गया है, गणित विषय का जो समय है 2 से 3:30 बजे, यहाँ पे सम्मिलित शालाओं के नाम दिया गया है, कटिया टोला, बरिया टोला, सतपारी पश्चिम, उमलनिया टोला, यहाँ पे 4 स्कूलों छात्रों को सम्मिलित किया गया है। ओके साथियों, अब इसके बाद कक्षा 6 से 8 हिंदी विषय पे 10:30 से 11:30 बजे तक, तो यहाँ पे 4 शालाओं के छात्रों को सम्मिलित किया गया है, एमएस बगैहा, एमएस पड़खुरी, एचएस हड़बड़ो, एमएस पड़खुरी, 4 छात्रों को यहाँ सम्मिलित किया गया है। ओके, इसके बाद संस्कृत विषय 12 बजे से 1 बजे तक, यानी 1:30 बजे तक, 12 बजे से 1:30 बजे तक, 1:30 तक, एचएस पड़री, एचएस पड़री, एमएस डांडी, एमएस पड़खुरी, 4 छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अंग्रेजी विषय, इसका समय है 2 से 3:30 बजे तक, एचएस हड़बड़ो, एचएस हड़बड़ो, एमएस पड़खुरी, एचएस भाटा, 4 छात्रों को सम्मिलित किया गया है। ओके साथियों, ये रहा जो है दिनांक 5/10/2023 को सम्मिलित होने वाले छात्रों की सूची। अब यहाँ पे रूट चार्ट बताया गया है। अब यहाँ पे रूट चार्ट बताया गया है, तो सबसे पहले जो है 5/10/2023 को जो है सबसे पहले जो है एमएस बगैहा से होते हुए एमएस पड़खुरी, एचएस हड़बड़ो, एचएस पड़री और एचएस पड़री से होते हुए जो है परीक्षा केंद्र तक जो है रूट चार्ट बस वाई बस के द्वारा जो है छात्रों को पहुंचाया जाएगा। ओके साथियों, और यहाँ जैसे एमएस बगैहा से बस के माध्यम से छात्रों को बैठा के और उसके बाद जो है जितनी भी शालाएँ बीच में पड़ती जाएंगी एमएस पड़खुरी के बीच, जैसे सतपारी पश्चिम, सतपारी पूरब और विष्णु टोला, बरिया टोला, इस तरह करके जो है यहाँ पे जो रूट चार्ट बनाया गया है, तो सभी विद्यार्थियों को जो है एमएस बगैहा से होते हुए पड़खुरी होते हुए एचएस हड़बड़ो, एचएस पड़ी और एचएस पड़ी होते हुए सीधे जो है परीक्षा केंद्र तक लाया जाएगा और सीधे इन छात्रों को फिर से जो है वापस इनके विद्यालय छोड़ा जाएगा। ओके साथियों, और इसी तरह जो है 6/10/2023 दिन शुक्रवार 4 एवं 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी 10 से 11:30 बजे, यहाँ पे पीएस चरका पाथर, विष्णु टोला, एचएस हड़बड़ो और पीएस बुधरा, 4 छात्रों को सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद जो है अंग्रेजी विषय 12 से 1:30 बजे, सतपारी पश्चिम, डांडी, विष्णु टोला, कन्यासर, 4 छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद यहाँ गणित 2 से 3:30, सतपारी पश्चिम, बरिया टोला, एचएस हड़बड़ो, पीएस बुधरा, यहाँ पे भी 4 स्कूलों के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। ओके, इसके बाद यहाँ दिया गया पर्यावरण 4 से 5:30 बजे, सतपारी पश्चिम, एचएस, एमएस डांडी, सतपारी पूर्व, पीएस पड़ी, 4 शालाओं के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद कक्षा 6 से 8 विज्ञान विषय 10 से 11:30 बजे, एमएस पड़खुरी, एमएस पड़खुरी, एचएस भाटा, एमएस पड़खुरी, 4 शालाओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। गणित 12 से 1:30 बजे, एचएस पड़ी, एमएस बगैहा, एमएस पड़खुरी, एमएस पड़खुरी, 4 छात्रों को सम्मिलित किया गया। यहाँ पे प्रश्नमंच का जो विषय दिया गया है 2 से 3:30 बजे, एमएस पड़खुरी, एमएस पड़खुरी, एमएस बगैहा, एमएस पड़खुरी, 4 स्कूलों छात्रों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे जो है सम्मिलित छात्रों की सूची जो है 5 और 10 तारीख को जिन छात्रों को यहाँ पे जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा में
चयनित किया गया है। तो यहाँ पे जन शिक्षा केंद्रवार जो है छात्रों की सूची इस तरह है, और कुल टोटल जो है यहाँ पे 52 छात्र जो है इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। ओके साथियों, तो ये रहा जो है रूट चार्ट जो है जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो है सम्मिलित होने वाले छात्रों की सूची। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू।